मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलि भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भार मल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। कल्याण मंदिरम धन्यास्त एव भुवनाधिप ये त्रिसंध माराधयन्ति विधिवत् विधुतान्यकृत्या मनुष्य के पास दो शक्तियां बहुत बड़ी हैं, एक जानने की शक्ति और एक देखने की शक्ति। आदमी जानता है तो अज्ञान दूर हो जाता और देखता है तो अपना बोध हो जाता है, अपना बोध, स्वयं का बोध, स्वयं को देख लेता है। कवि ने बहुत सुंदर लिखा कि स्वमहिम दर्शन मक्षो मुकुर तले जायते यस्मात्, आंख सबको देखती है पर जब आंख को स्वयं को देखना होता है तो नहीं देख सकती, शीशे के सामने जाकर खड़ी होती है तो अपने आप को भी देख लेती। स्वयं को देखने के लिए दूसरे को देखना बहुत जरूरी है।
हम किसी महान आत्मा को, पवित्र आत्मा को देखते हैं, तो फिर हमें भी अपना बोध होता है, अपना दर्शन होता है। जैसे दर्पण में देखे बिना आँख अपने आप को नहीं देख सकती, वैसे ही किसी महान आत्मा को देखे बिना अपना स्वयं का रूप सामने नहीं आता, पता नहीं चलता। अगर सिंह का बच्चा भेड़िए के साथ रहता है तो वह भी भेड़िया बन जाता है, बन गया था वैसा ही। बच्चा जन्मा और शेरनी कहीं चली गई, पीछे चरवाहे ने उसको पाला भेड़ों के साथ, तो वह भी भेड़िए की तरह ही सारा व्यवहार करने लग गया। एक दिन जंगल में जब बकरियां भेड़ चर रही थी और उधर से कोई शेर आया, वो देखा तो इनके साथ तो शेर का बच्चा है। उसने दहाड़ा, जैसी दहाड़ सुनी और उसके मन में आई, वह भी दहाड़ने लग गया। तो शेर ने कहा, तू यहाँ कहाँ फंस गया, कि मुझे तो पता नहीं, मैं जानता ही नहीं कि तू बकरी नहीं है, भेड़ नहीं है, तू शेर आ, मेरे साथ आ जा। जब शेर को देखा तो शेर के बच्चे में भी अपना सिंहत्व जाग गया। हर व्यक्ति में वह सिंहत्व होता है, पराक्रम होता है। यह नहीं कि राम और कृष्ण में ही था, महावीर और बुद्ध में ही था, या अन्य महापुरुषों में ही था, ऐसा नहीं है। वही शक्ति हमारे भीतर भी विद्यमान है। अगर हम उनके दर्पण में उनको दर्पण बनाकर और अपने आप को देखना शुरू करें, तो स्वयं हमारी भी वही शक्तियां जागृत हो सकती है। देखने का बड़ा महत्व है। तो आचार्य ने कहा कि भगवान, वे लोग धन्य हैं जो त्रिसंध्य तीनों समय आपकी आराधना करते हैं। विद्युतान्य कृत्या, अब सब कामों को छोड़कर आपकी आराधना करते हैं। ये त्रिसंध्यम, तीन संध्याओं का भारतीय साधना में, चाहे वैदिक परंपरा की हो, चाहे जैनों की, बौद्धों की हो, चाहे हठ योग की हो, त्रिसंध्य का बड़ा महत्व रहा है। तीन संध्या, और इसका व्याख्या आज तो वैज्ञानिक स्तर पर भी की जा सकती है। अब प्रातःकाल का समय है। प्रातःकाल का समय हमारे शरीर में विशेष रसायनों के प्रसरण का समय है, स्राव होता है। हमारे शरीर में न जाने कितने रसायन भरे पड़े हैं, हम जानते ही नहीं। शरीर में रसायन है, हम रसायन पैदा करते हैं, प्रोटीन पैदा करते हैं, कैल्शियम पैदा करते हैं, बाहर से लेते हैं, भीतर से भी हम पैदा करते हैं, बहुत पैदा करते हैं। एक आदमी दर्द है, उस समय अफीम खाता है, दर्द कम लगता है, यह इंजेक्शन लेता है, तो कम लगता है। जिसका इंजेक्शन लेता है, जो गोली लेता है, वही रसायन हम अपने शरीर में पैदा कर सकते हैं। विज्ञान की भाषा में एनकेफेलिन या इंडोर्फिन, इंडोर्फिन है जो हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। उस समय अगर वह लीनता आ जाए, एकाग्रता आ जाए, तो उस रस का स्राव होने लगता है। और जो व्यक्ति प्रातःकाल या 4 बजे उठ जाए, 4 बजे उठकर 1 घंटा ध्यान में बैठ जाए, उस रसायन को पैदा करे, तो दिन भर मस्ती में रहेगा, न गुस्सा, न उदासी, न बेचैनी, कुछ नहीं, आनंद में दिन बीतेगा। तो ये तीन संध्याओं का बड़ा महत्व है कि इस समय हमारे शरीर की विशेष प्रक्रियाएँ होती है। यानी जो विधान किया गया है,
तो प्राचीन आचार्य बहुत आत्मज्ञानी थे, उन्होंने बिना यंत्रों के अपनी साधना के द्वारा ऐसे सूक्ष्म रहस्यों को देखा। आज वैज्ञानिक लोग जो यंत्रों के द्वारा देख रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमें लगता है हम तो जानते तो हैं, जानते हैं, पर उसका अनुभव नहीं करते। तो त्रिसंध्यम प्रातः काल, मध्यान्ह काल और सायंकाल, ये तीन संध्याएं हैं। इन तीन संधि कालों में जो आपकी आराधना करता है, आराधना तो हर समय की जाती है, किंतु त्रित होता है, हमें बहुत प्रभावित करता है। काल का बड़ा प्रभाव होता है कि किस काल में कौन सा काम करना चाहिए। आज एक नया विज्ञान सामने आया है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। जैविक घड़ी किस समय क्या काम करती है, और प्राचीन ज्ञान भी यहाँ था, सूर्योदय, सूर्योदय का यही था कि किस समय कौन सा काम करना चाहिए। आपको किसी बड़े आदमी से बात करनी है और 12 बजे दोपहर में जाएंगे तो बात बनती बिगड़ जाएगी, उस समय उसका मूड खराब रहेगा, तो आप अच्छी बात कहेंगे तो उसको अच्छी नहीं लगेगी। वही बात प्रातः काल या रात्रि के प्रथम पहर में शांति के समय जाएंगे तो आपकी बिगड़ती बात भी सुधर जाएगी। काल का भी बड़ा महत्व है, इसीलिए महावीर की वाणी के जो चार शब्द हैं बड़े महत्वपूर्ण है कि कोई भी काम करो, दब्बो खेतो कालो भावो, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव देखकर करो तो काम अच्छा होगा। इनका विचार किए बिना कोई काम होता है अच्छा नहीं होता, तो काल का भी प्रभाव होता है। कहा भी त्रिसंध्यम, जो भगवान आपकी तीन संध्या में आराधना करते हैं और सब कामों को छोड़कर भक्ति के साथ, वह भी भक्ति, भक्ति एक समर्पण है, जिसके प्रति हम भक्ति करते हैं, पवित्र आत्मा के प्रति भक्ति करते हैं, तो वह पवित्रता के गुण या परमाणु हमारे भीतर भी संक्रांत हो जाते हैं, आने लग जाते हैं। गुणों का संक्रमण होता है, एक सिद्धांत है योग का, गुण संक्रमण, जिसको देखोगे वैसा हो जाएगा। एक अमेरिकन महिला ने प्रसव किया, बच्चा पैदा, रंग काला था, तो आश्चर्य हुआ कि इस जो गौर वर्ण वाली महिला का बच्चा काला कैसे हुआ। वह कोई अफसी या निग्रो जैसा था। आखिर खोज करते करते लगा कि उस महिला के सामने जहाँ वह सोती थी एक निग्रो का फोटो था, वह बार बार उसको देखती थी, तो गर्भकाल में भी देखती थी, तो उस बच्चे का रंग भी वैसा हो। एक बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है यह गुण संक्रमण का, एक दूसरे का एक दूसरे पर कैसे प्रभाव होता है। अगर हम पवित्र आत्मा को देखते रहें तो धीरे धीरे हमारे भीतर भी पवित्रता का प्रवेश होगा और अपवित्रता समाप्त होती चली जाएगी। तो भक्ति के साथ, समर्पण के साथ, वह कब होता है कि समर्पण तब, बिना समर्पण के उसका रूपांतरण नहीं होता। तो उस समय वे लोग धन्य हैं, आपकी आराधना करते हैं और आपके दोनों चरणों की उपासना करते हैं, और भक्ति के साथ उस समय उनके शरीर में पुलकन होती है, रोमांच पक्षमल होता है, रोमांच होता है, और सारा देश का भाग है, शरीर के भाग वे पुलकित हो जा, आनंदित हो जाते हैं। तो इस श्लोक में बतलाया गया है कि भक्ति कैसे करें और कब करें। यानी भक्ति एक बहुत बड़ा तत्व है, और भक्ति का एक
गूढ़ अर्थ भी है। आद्य शंकराचार्य ने भक्ति का जो अर्थ किया बड़ा महत्वपूर्ण है कि स्वस्वरूपानुसंधानं भक्ति रित्य भी दीयते। भक्ति का मतलब क्या? स्वस्वरूपानुसंधानं, अपने स्वरूप का अनुसंधान करने का नाम है भक्ति। नारद भक्ति में भी इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। भक्ति ऐसे कोई पूजा कर ली, फूल आए आ रहे, ये तो बाहर का उपचार है। वास्तव में भक्ति के मर्म को समझें तो एक महापुरुष के सामने खड़े होकर फिर अपने स्वरूप का अनुसंधान करें कि ये महापुरुष कैसे बने, इन्होंने क्या आचरण किया, किस प्रभाव से ये ऐसे बने हैं, क्या मेरे भीतर वह शक्ति है, उस अनुसंधान में लग जाए, उसका नाम है भक्ति। जब यह भक्ति होती है तो सचमुच वह व्यक्ति वैसा बन जाता है। आचार्य रामसेन ने तत्वानुशासन में बहुत सुंदर बात बतलाई कि बैन तेयोपी, गरुड़ का ध्यान करो, उसी में लीन हो जाओ तो तुम्हारे भीतर गरुड़ की शक्ति आ जाएगी, बैनते की शक्ति आ जाएगी। जिसकी जो शक्ति है उस शक्ति में तुम एकाग्र हो जाओ और उसी को देखते रहो तो तुम्हारे भीतर भी वही परिणाम शुरू हो जाएगा और तुम भी वैसे ही बदल जाओगे। एक रूपांतरण का अपने अस्तित्व को समझने का, अपनी शक्तियों को जगाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है भक्ति। पर वह भक्ति बाह्य उपचार वाली भक्ति तो ठीक चलती है, पर वह भक्ति कि जहाँ उसको देखकर और उसी का ध्यान करे, उसके साथ तन्मय हो जाए, वह भक्ति तन्मय हो गया तो जो तन्मयता आती है, तल्लीनता आती है, तो धीरे धीरे वह तादात्म्य स्थापित होता है और एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। अपने आप को बहुत लोग ऐसे हैं कि अपने स्वरूप को देखना पसंद नहीं करते, किंतु जो पहुँचे हुए लोग हैं वे यथार्थ को देखना पसंद करते हैं। शासक का चित्र बनाया, बहुत सुंदर चित्र, चित्रकार बड़ा कुशल था, ऐसा चित्र बनाया, शासक के सामने लाकर रखा, देखा तो प्रसन्न हो गया, बहुत बढ़िया चित्र बनाया है, तो आप स्वीकार करें कि नहीं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं नहीं स्वीकार करूंगा, न तुझे पुरस्कार दूंगा। एक और तो प्रसन्नता कि चित्र बहुत बढ़िया है, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे पुरस्कार भी नहीं मिलेगा, कि नहीं करूंगा क्योंकि सच्चाई नहीं, सच्चाई नहीं है। शासक के मुंह पर था मस्सा बड़ा सा, तो उसने सौंदर्य दिखाने के लिए मस्से को हटाकर चित्र बना दिया। उसने कहा चित्र तो बढ़िया है पर यह असत्य है, मैं असत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, मैं यथार्थ को स्वीकार करूंगा। जिस व्यक्ति में यह यथार्थ को स्वीकार करने की शक्ति जागती है तो वह सचमुच वैसा बन जाता है। हम कमियों को छिपाना चाहते हैं और विशेषताओं का प्रदर्शन करना चाहते हैं, उससे विशेषताओं का बहुत विकास नहीं होता, वे विशेषताएं भी धूमिल बन जाती है। जो व्यक्ति कमियों को छिपाता नहीं, अपनी कमियों को सामने रखता है तो उसमें परिवर्तन आता है। किसी से बात करो कि ये तलाक का आया प्रश्न कि तुमने कुछ ऐसा व्यवहार किया, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं करता, वे ही कर रहे हैं इसलिए मुझे करना पड़ता। हर व्यक्ति से बात कर लो कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, भूल की, गलती की, आवेश किया, गलतियां दी, मारपीट की, नहीं पहले मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया तब मैंने किया, ये स्वीकार नहीं करता मैंने किया है।
क्योंकि मनुष्य अपनी कमी को स्वीकार करना नहीं चाहता, अपने आप को तो सर्वांग सुंदर और परिपूर्ण दिखाना चाहता है। यह रास्ता है कि वह परिपूर्ण बनता नहीं, कमियां दूर होती नहीं। जिसे अपनी कमियों को दूर कर विशेषताओं का विकास करना है, उसे सबसे पहले अपनी कमियों को देखने की बात होती है, और इसी का नाम है ध्यान में आत्मदर्शन। अपने आप को देखो, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराया जाता, कहा जाता है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। ये दो आत्मा थोड़ी है किसी के पास, ऐसे तो बहुत है। ये एक अपनी कमियों को देखो, अपने क्रोध को देखो। आचार्य सूत्र का बहुत सुंदर है, जे कोहदंसी से माणदंसी। जो क्रोध को देखता है वह मान को देखता है। जे माणदंसी से मायदंसी, बहुत लंबा प्रकरण है। क्रोध को देखता है वह मान को देखता है। आप अपने क्रोध को देखते हैं, और जब तक अहंकार को नहीं देखते क्रोध मिटेगा नहीं। क्रोध आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अहंकार। अहंकार है क्रोध का कारण। जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा अहंकार होगा उसमें उतना ज्यादा क्रोध होगा। मेरा बेटा और मेरी बात नहीं मानता, बस क्रोध आ गया। ये क्रोध क्यों आया? भीतर अहंकार है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरा कर्मचारी मेरी बात नहीं मानता। बस क्रोध आया, क्रोध के पीछे अहंकार। बड़े आदमी थे और आए, भीतर गए और अपने मुनिम को बुलाया। बुलाकर कहा कि देखो वो जो शिक्षक है उसकी छुट्टी कर दो। बोले साहब क्यों? अच्छा पढ़ाता है, तू पढ़ाता बहुत अच्छा है। कि नहीं, पढ़ाता तो अच्छा है पर फिर भी छुट्टी कर दो। क्यों? कि मैं आया और खड़ा नहीं हुआ, अब काम का नहीं है, छुट्टी कर दो। तो यह गुस्सा किस आधार पर आया? छुट्टी क्यों? कि भीतर का अहंकार। यह अहंकार सब जगह सुनने को मिलेगा। कल परसों कोई कह रहा था कि ईगो बहुत है, ईगो प्रॉब्लम। आज की शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो प्रॉब्लम बन रही है, और वह क्रोध उस पर आता है। तो बहुत अच्छा एक लंबा प्रकरण महावीर की वाणी में है कि जे कोहदंसी से माणदंसी, जे माणदंसी से मायदंसी, जे मायदंसी से लोहदंसी, और अखिरांता से दुखदंसी। अपने दुख को कौन देखता है? अगर अपने दुख को समझना, देखना कि दुख क्यों होता है, तो दुख को देखो। और दुख को देखने के लिए फिर आगे चलो, अनुप्रेक्षा करो, ध्यान में बैठकर गहराई में चले जाओ और देखो कि दुख के पीछे क्या क्या है। तो ठेठ क्रोध तक आप पहुंच जाएंगे, और बीच में एक लंबी श्रृंखला है। तो ये बहुत आवश्यक है, और आचार्य ने बहुत ही सुंदर कहा, प्रभो वे लोग धन्य हैं जो त्रिसंध्य में भक्ति के साथ आपकी आराधना करते हैं। और जो भक्ति के साथ आराधना करने वाला है वह वैसा ही बन जाता है। अगर हमें बनना है, किसी को महावीर बनना है तो महावीर बन सकते हो, किसी को राम बनना है तो राम बन सकते हो, पर दो फूल चढ़ा कर नहीं बन सकते। केवल बाह्य उपचार से नहीं बन सकते। अगर बनना है तो पहले उनके साथ तादात्म्य स्थापित करो, उनके साथ एकात्मकता स्थापित करो, उनके गुणों के साथ, उनकी विशेषताओं के साथ एक रस बन जाओ। तो वे गुण और विशेषताएं तुम्हारे भीतर भी आने लगेगी। पर आदमी सीधा काम करता है कि दो मिनट में बस भगवान को राजी करने में राजी है। दो मिनट गया, हाथ जोड़ा, फूल चढ़ाया, बात समाप्त। फिर दिन भर कोई जरूरत ही नहीं याद करने की। यह एक ऐसा चल पड़ा तो कैसे होगा? उसमें जब तक तुम तन्मय नहीं बनोगे,
तब तक काम नहीं होगा, तल्लीन बन जाओ और दिन भर वह ध्यान में रहे, सोते जागते कुछ भी करें, खाए पिए, पर वह तन्मय उसकी विस्मृति न हो। 10 बार राम का नाम लिया, 10 बार महावीर का नाम लिया, पार्श्वनाथ का नाम लिया, नाम लिया, हर बाहर गया और घर में गया और ऐसी लड़ाई शुरू कर दी कि बेचारा नाम टिक पाएगा कहाँ, उसका पता ही नहीं चलेगा। नाम लेने का अर्थ तो तब है कि हम उनकी विशेषताओं को ध्यान में बराबर रखें। राम को वनवास मिला तो भी क्रोध नहीं आया, अहंकार भी नहीं आया, और अपनी उस माता के प्रति रोष भी नहीं आया जिसके कारण वनवास हुआ। यही ग्रहण किया कि जो पिताजी है, पिताजी का जो आदेश है वह हमारे लिए शुभ है, इसके सिवाय कुछ कोई विकल्प नहीं। अगर आज कोई पिता अपने पुत्र को थोड़ा सा कम धन दे दे तो फिर क्या होता है, देखो न्यायालय तो न्यायालय में तो जाना छोटी बात है, और भी कुछ हो जाता है। इसका कारण यही है कि हमने धर्म के मर्म को समझने का प्रयत्न नहीं किया, हमने आराधना और भक्ति के तात्पर्य को समझने का नहीं प्रयत्न किया, केवल बाहर बाहर से उपचार और चलता है, यह क्रिया चलती है, किंतु उन भावना के साथ हमने वह नहीं किया। इसीलिए आचार्य ने कहा कि धन्यास्तये वे लोग धन्य हैं, वे धन्य हैं दो त्रिसंध में आपकी आराधना विधिवत करते हैं, विधिवत करते हैं। और एक बात और बता दी कि विद्युतान्य कृत्या, अन्य सारे कामों को विकल्पों को छोड़कर आराधना करते हैं, कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प होकर आपकी आराधना करते हैं। इधर तो आराधना करता है, भक्ति करता है, साधना करता है, सामायिक करता है, ध्यान करता है, और भीतर में विकल्प ऐसे आते हैं कि प्रसन्न चंद्र इधर तो ध्यान में खड़ा, उधर लड़ाई में लग गया, तो वह नहीं होता। विद्युतान्य कृत्या, अन्य कृत्यों को छोड़कर अगर इस प्रकार भक्ति की जाए तो आचार्य ने कहा कि उनका जन्म धन्य है और वे व्यक्ति भी धन्य है। हम भी कुछ ऐसा चिंतन करें कि जो काम करें विधिवत करें और उस विधि का पालन करें, काल भी देखें किस समय करें, विधि के साथ करें और अन्य विकल्पों को छोड़कर करें। ये 3 सूत्र हैं विकास के, आत्म विकास के। इन 3 सूत्रों पर विचार करें तो सचमुच हम भी बहुत एक साथ तो नहीं पर वैसे ही बन सकते हैं जैसे कि जिसकी आराधना करते हैं, वैसी शक्तियां हमारे भीतर भी जागृत हो सकती है और हम बन सकते हैं। इस आत्मविश्वास के साथ ये हो तो फिर आचार्य को उन लोगों को कहा है कि वे लोग धन्य हैं तो इस प्रकार आपकी आराधना करते हैं। ओम।